अग्निपथ योजना के विरोध में खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने कटाक्ष किया। इस दौरान हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश भी मौजूद रहे। वहीं भुवन चंद्र कापड़ी ने पत्रकारों से चर्चा कर कहा कि युवा अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं, उत्तराखंड सरकार का तानाशाही रवैया देखने को मिल रहा है। वहीं हल्द्वानी में युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया, जो बहुत ही निंदनीय है। अग्निपथ योजना से युवाओं का भविष्य खतरे में है। हजारों की संख्या में युवा सड़क पर उतर रहे हैं और ये निंदनीय है कि सरकार उन पर लाठी चार्ज करवा रही है। वहीं अग्निपथ योजना उत्तराखंड के युवाओं को ठगने के लिए बनाई गई है। विपक्ष इस योजना का पुरजोर विरोध करेगा। सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में इस योजना का विरोध हो रहा है। मामले को लेकर विपक्ष बड़ा आंदोलन करेगा। पूरे देश में, प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश में, चाहे हरियाणा की बात करें चाहे बिहार की बात करें, ऐसा अभूतपूर्व विरोध हुआ है जिसमें किसी राजनीतिक दल ने उस विरोध को लीड नहीं करा है। स्वतः वो जो बच्चे आप देखते हैं सुबह 5 बजे जो धावक होते हैं, जो भाग रहे होते हैं सड़कों पे, शाम को देखते हैं दोपहर में इस गर्मी में वो तैयारी कर रहे होते हैं कि किस तरीके से फिजिकल पास करके सैन्य सेवाओं में प्रतिभागिता दें, अपने देश के लिए बलिदान दें। सबसे ज़्यादा अगर बलिदान किसी ने दिया तो उत्तराखंड के हमारे जो शहीद हैं आर्मी में, जिन्होंने बलिदान दिया है। और ये योजना का अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर इसका सपोर्ट करा है तो उनको कोई हक नहीं है कि कल वो किसी भी मंच से जाकर ये बोले कि मैं सैन्य परिवार से हूँ। ये सैनिक और सैन्य परंपराओं के विपरीत ये अग्निपथ योजना आई है। हम इसका पूरा विरोध करेंगे और इतना बड़ा अभियान चलाएंगे कि इतिहास गवाह है। जैसे किसान आंदोलन हुआ है वैसे अग्निपथ पे आंदोलन होना तय हो चुका है।